अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं गरम मसाले का पाउडर। ये सब चाहिए होता है, ये दालचीनी 20 ग्राम, ये दो जायफल मैं कूट के ली हूँ, ये 20 ग्राम लौंग, 20 ग्राम इलायची, ये बड़ी इलायची 20 ग्राम, ये 10 बेलीफ, ये 20 ग्राम शाहजीरा, ये स्टार एनिस ये तोड़ ली हूँ मैंने, ये 5 स्टार एनिस हैं, ये जावित्री, काली मिर्च 10 ग्राम, जो ये दगड़ फूल, ये दो से 3 ग्राम होंगे। तो ये मैं ये थोड़ा हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी, ये मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करके लाती हूँ, फिर इसे ग्राइंड करेंगे। अब धूप होगी ना आपके घर के पास, तो धूप में ही थोड़ा कड़क धूप में रख दीजिए आधा घंटा ड्राई रोस्ट, और तेल वगैरह नहीं डालना। ये देखिए, ये एकदम ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है, इतना ही गर्म होना चाहिए। जब तक ये कढ़ाई ठंडी ना हो जाए आप, तब तक ये जो चम्मच है वो हिलाते रहिए। अभी ये ठीक है, मैं ये ग्राइंडर में डालूंगी। अब ये देखिए, हम हाथ से हिला सकते हैं, उतना ही गर्म होना चाहिए। ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। कई लोग तो इसमें धनिया सौंफ वगैरह वगैरह डालते हैं, वो अपनी अपनी आदत के ऊपर जाती है बात। वैसे भी सालन में रेसिपीज में पढ़ते हैं ना धनिया तो वगैरह, तो मैं इसमें नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ गरम मसाले का ही आइटम डाली हूँ। रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब ग्राइंड करेंगे। अभी ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, ये देखिए। अच्छा, ये भी ठंडी हुई है, पहले छीने लायक नहीं थी गरम। तब ये मैं छोटे जार में, जो सबसे छोटा वाला लास्ट जार है, उसमें डाल के ये ग्राइंड करके लाएंगे घुमा के। अभी ये मैं ग्राइंड करके घुमा के लाई हूँ, ये देख सकते हैं, ये खुशबू तो सारे घर में फैल गई है गरम मसाले की। ये आप स्टेन करके भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा स्टेन के देखती हूँ कि कुछ बाकी है। अभी ये फाइन पाउडर ग्राइंड हो गया, ये देखिए। तो ये सारा भर के इसमें, ये देखिए, आप जितना चाहिए थोड़ा थोड़ा ही बनाइए। ज़्यादा बना के रखेंगे ना तो फ्लेवर चले जाएगा और इसमें नमी से आने लगेगी। तो जब भी ज़रूरत होगी तब तब बना लीजिए, 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। आप भी ऐसे जो क्या ऐसे एक टाइट कंटेनर में डाल के टाइट करके रख लीजिए। अल्लाह हाफिज़।